जमने लगा है होली का रंग। कान्हा की नगरी के अलग अलग मंदिरों में होली से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। लोग न केवल रंग गुलाल के जरिए बल्कि कान्हा की भक्ति में डूबकर उत्सव मना रहे हैं। दरअसल ब्रजभूमि में बसंत पंचमी से ही होली महोत्सव की शुरुआत हो जाती है और ये सिलसिला होली तक यूं ही चलता रहेगा और इस दौरान ब्रजभूमि में मंदिरों का अलग ही नजारा देखने को मिलता है। एक दूसरे के गालों पर गुलाल लगाते, ढोल मंजीरे की थाप पर झूमते गाते लोग, ये तस्वीरें मथुरा की हैं। भले ही होली में अभी कई दिन बाकी हैं, लेकिन मथुरा में तो होली का रंग अभी से जमने लगा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ अभी से होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मथुरा की होली कई मायनों में बेहद खास मानी जाती है। मथुरा में आजकल अलग अलग मंदिरों में होली से जुड़े आयोजनों का सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला होली तक ऐसे ही जारी रहेगा। किसी मंदिर में रंग गुलाल उड़ रहा है तो कहीं फूलों की होली खेली जा रही है। यहाँ होली सब जगह हो रही है या ब्रज हो रहा, यहाँ हो रहा से तात्पर्य क्या है कि 40 दिन तक निरंतर यहाँ ब्रज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रम चलता ही रहता है और पुष्टि मारक का अपना अलग परंपरा है, उस हिसाब से यहाँ चलता रहता है। तो ये लोग देश विदेश से आते हैं और इस आनंद लेते हैं और होली ब्रज की एक अनूठी होती है। कान्हा की नगरी में होली का रंग देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं। इन दिनों भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के हर छोटे बड़े मंदिरों में अभी से फाग में भक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते भक्तों की टोली अभी से होली की मस्ती में सराबोर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।